विजय देवरकोंडा की मच अवेटेड फिल्म लाइगर साला क्रॉसवेट का ट्रेलर फाइनली आ गया है। इनकी पिछली फिल्म वर्ल्ड फेमस लवर थी और ये ऑलमोस्ट 2 साल बाद फिर से बिग स्क्रीन पर लौट रहे हैं। ट्रेलर का रिव्यू करने से पहले कुछ चीजें बता देते हैं आपको। ये फिल्म साइमल्टेनियसली शॉट किया गया है, एक ही साथ 2 लैंग्वेज हिंदी और तेलुगु में शॉट किया गया है ये फिल्म। इस फिल्म का कास्ट विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे द स्ट्रगलर, रोनित रॉय और माइक टाइसन है। फिल्म को डायरेक्ट भूरी जगन्नाथ ने किया है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर है, तो बेशक इस फिल्म का भी बॉयकट ट्रेंड करने वाला है ट्विटर पर। हैशटैग गान मराओ करण जौहर। इस फिल्म में बहुत खर्चा हुआ है, ऑलमोस्ट 100 करोड़ इसका बजट है। तो बात करते हैं अब ट्रेलर के बारे में। उससे पहले हमारा नाम है रोशन और फिल्मीवर्स के एक और वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। विजय देवरकोंडा इस फिल्म में एमएमएफ फाइटर बॉक्सर का रोल प्ले कर रहे हैं और वो वहां तक कितने स्ट्रगल के बाद पहुंचते हैं उसकी भी जर्नी दिखाई गई है। ट्रेलर ठीक ठाक ही लग रहा है, ज्यादा दिखाया नहीं गया इस ट्रेलर में। पीछे से लाइगर का ट्रैक बजता रहता है और शॉट्स चेंज होते रहते हैं। विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर इस फिल्म में हकलाने वाला है, वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। विजय देवरकोंडा के वो कैरेक्टर में पागल पर नजर आ रहा है जो एक बॉक्सर में होना चाहिए। विजय ने इस फिल्म के लिए बहुत हार्ड ट्रेनिंग की है, वो थाईलैंड गए थे मार्शल आर्ट सीखने के लिए। इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी ज्यादा डेडिकेशन दिखाई है क्योंकि उनके करियर की ये सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, तो भाई साहब उनका मेहनत तो जायज है। जानवी करोल को सबसे पहले अप्रोच किया गया था इस फिल्म के फीमेल लीड के लिए, लेकिन उन्हें जिम करने से फुर्सत नहीं मिली तो अनन्या पांडे को लिया गया और उसने काफी ज्यादा स्ट्रगल दिखाई है इस फिल्म में जो कि बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ट्रेलर से बहुत ज्यादा लोग डिसअपॉइंट भी हो चुके हैं क्योंकि कुछ नहीं दिखाया गया ट्रेलर में। इसके अलग प्रेजेंटेशन के चलते काफी लोग बुरा भला बोल रहे हैं इसको। मतलब ऐसा लग रहा था कि लाइगर का हम ऑफिशियली टाइटल सॉन्ग देख रहे हैं। विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई है उनके पिछली फिल्मों से और अब देखते हैं कि इस फिल्म को ऑडियंस से कितना प्यार मिलता है, क्योंकि मुझे तो इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही है और हो सकता है कि कहीं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर न बन जाए। फिल्म इसी साल 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है। ट्रेलर को देखने के बाद आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो भैया हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना ऐसी वीडियोज के लिए, और हो सके तो इसे शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।